कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमपी हसनैन मसूदी ने बताया कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में दशहरे की तातीलात के बाद समाअत हो सकती है। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 370 पर समाअत की तैयारी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया सेल का पूरा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। दर्जनों वकला ने प्रोग्राम में शिरकत की और अपना नुक्ते नजर शेयर किया। इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ सीनियर लीडरों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट में वो शुरू हो जाएगी 10 अक्टूबर के बाद, किसी भी दिन जो सुप्रीम कोर्ट जो मुकर्र करेगा समाअत के लिए, तो वो उस पस मंज़र में भी ये आज की नशस्त बड़ी अहम है, क्योंकि एक दूसरे के ख्याल जानने हैं, उनका जो अदराक है, उनकी जो समझ है सारे मामले के मुताबिक, तो उस क्या क्या समझ कानून के नुक्ते नज़र से, तो उस पर सारी पर बहस हुई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली पिटिशन है जो चैलेंज किया गया 5 अगस्त के फैसलों को। अब फोकस रहेगा उसी पर, वो दलाइल पेश करने और जो हमारे वकला है उनके साथ मीटिंग करने और बात कि हम पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और अपने दलाइल पेश करें। कोई नहीं कह सका वापस नहीं आएगा। मैंने बार बार कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट की बात लीजिए, अभी बोडोलैंड की बात कीजिए, कि वहाँ पर ज़मीन के हकूक़ हैं, उन पर वहाँ पर नौकरियों के हकूक़ हैं, उनको तस्लीम किया गया। उतना ही नहीं, अभी देखिए जो फॉरम लॉज की बात आ गई, तो कैसे जब लोगों ने इकट्ठे होकर आवाज़ उठाई, अगर जो बार बार सरकार का ये दावा था ये आईन के मुताबिक है, ये उनके हित में है, लेकिन जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो वो कैसे मनसूख हो गई। और अभी जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तय किया जा रहा है नागास के साथ या मणिपुर को या बाकी स्टेट्स को, इनर लाइन परमिट वहाँ जा नहीं सकते हैं जब तक परमिट ना हो, ये मायूसी की कोई बात नहीं है। दूसरी, क्योंकि 5 जजों के ऊपर मुश्तमिल बेंच है और 40 के करीब वकला हैं, अब दशहरा के बाद अभी तैतीलात हैं, उनके बाद कभी भी इसके बारे में जो तारीख है उसका वो मुकर्रर की जाएगी। और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के बानी गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, लिहाजा इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन ही ऐलान करेगा। आज़ाद ने यह तबसरा लाल चौक दौरे के दौरान किया। होने वाले उसी के बारे में रिएक्शन सर, वो उनकी मर्जी है सर, प्लीज़। इलेक्शन कब होंगे? जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, बाकी जिसको मर्जी है, कौन सी डेट कौन देता है उनकी मर्जी है, हम किसी को बंद नहीं कर सकते।